मैं चंद्रा बाबू जी से पूछना चाहता हूं, आप 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, आपने आंध्र प्रदेश को आपके बेटे के अलावे नारा लोकेश के अलावे क्या दिया है? मित्रों, चंद्रा बाबू से बड़ा अवसरवादी नेता पूरे भारत के इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1983 में कांग्रेस छोड़कर महान एनटीआर के साथ आए, 1989 में एनटीआर की पीठ में चूड़ा भोंककर खुद मुख्यमंत्री बन गए, बाद में एनडीए के अंदर दामन थामा, अटल जी के साथ हो लिए। जैसे ही एनडीए सत्ता के बाहर हुई, एनडीए से अलग हो गए। 2014 में जैसे ही लगा मोदी जी की हवा है, फिर मोदी जी के साथ आए। 2019 में लगा कि जनता खिलाफ हो गई है, सिंपति लेने के लिए, नाटक करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का भी साथ छोड़ दिया। अभी अभी तेलंगाना के चुनाव में जिनके खिलाफ एनटीआर ने टीडीपी की स्थापना की थी, वो कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया, और जब सिर्फ 3.5% वोट मिले तो आंध्र के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भी छोड़ दिया। मित्रों, इनके मन में है कि चुनाव के बाद मोदी जी की सरकार आएगी तो फिर से एनडीए में चले जाएंगे। चंद्रा बाबू जी, एनडीए के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, बंद हो चुके।